हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, मैं स्वरूप सर झारखंड के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। छात्रगण, जैसा कि आप नोट्स लिख रहे हैं, जेपीएससी पीटी पेपर टू झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित झारखंड के आदिवासी जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उस आदिवासी में से हम संथाल, उरांव, मुंडा, हो, लोहरा, महली, गोंड इत्यादि अन्य जनजातियों के बारे में हमने उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक परिदृश्य को देखा और नोट डाउन भी किया, नोट्स भी लिखा। छात्रगण, उसी कड़ी में आज शेष अन्य बचे हुए कौन कौन जनजाति है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। छात्रगण, आपका आज का हेडिंग होगा बेदिया जनजाति। बेदिया जनजाति, बेदिया, और लिखिए इसका पहला पॉइंट। बेदिया जनजाति का लिखिए फर्स्ट पॉइंट, यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से संबंध रखती है, जो स्वयं को वेद वनिस जो स्वयं को वेदवनिस या वेदवाणी जो स्वयं को वेदवनिस या वेदवाणी वेदवाणी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेदिया जनजाति झारखंड में मुख्य रूप से हजारीबाग बोकारो और रांची जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बेदिया जनजाति स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं, और अपने नाम के साथ बेदिया और मांझी की उपाधि धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेदिया जनजाति में जनजाति में
सबसे प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। बेदिया जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है, विवाह है। विवाह है वधु मूल्य को, वधु मूल्य को डाली टका, वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेदिया जनजाति का सबसे मुख्य देवता सूर्य है, सूर्य है, और इनमें सूर्याही, सूर्य से बन गया सूर्याही, और इनमें सूर्याही पूजा का प्रचलन है, और इनमें सूर्याही पूजा का प्रचलन है, और इनमें सूर्याही पूजा का प्रचलन है। एवं इस जनजाति के धार्मिक स्थल को अखरा कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है, मुख्य पेशा कृषि है, कृषि है। गांव में सामाजिक समस्याओं का निर्णय लेने वाले, गांव में सामाजिक समस्याओं का निर्णय लेने वाले सर्वोच्च व्यक्ति को गांव में सामाजिक समस्याओं का निर्णय लेने वाले सर्वोच्च व्यक्ति को ये लोग प्रधान कहते हैं, ये लोग प्रधान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेदिया जनजाति में, बेदिया जनजाति में सामाजिक उत्सव नाच के मैदान को मैदान को अखरा कहते हैं, अखरा कहते हैं। क्योंकि छात्रगण, मैं इससे पहले लिखवाया आपको कि इनका मुख्य देवता सूर्य है और इनके धार्मिक स्थल को अखरा कहते हैं। छात्रगण वहां पर अखरा काटेंगे, उनके धार्मिक स्थल को अखरा ना कहकर सरना कहते हैं, जबकि इनके नाच के मैदान को अखरा कहते हैं। तो छात्रगण आप वहां लिखे हैं इनके सामाजिक, इनके धार्मिक स्थल को अखरा कहते हैं, वहां काट के अखरा के जगह में सरना करेंगे। और लेकिन मैंने बाद में लिखा दिया है कि इनके नाच के मैदान को और सामाजिक उत्सव के मैदान को अखरा के नाम से पुकारी जाती है, अखरा के नाम से पुकारी जाती है। उसी में इस जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है, इस जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है जो इसे
अन्य जनजातियों से अलग करता है, जो इसे अन्य जनजातियों से अलग करता है। साथ लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, वैद्य जनजाति अपने अस्थियों का विसर्जन, अस्थि वैद्य जनजाति अपने अस्थियों का विसर्जन दामोदर नदी में करते हैं, दामोदर नदी में करते हैं, नदी में करते हैं, स्वान रूप से वैद्य जनजाति अपने अस्थियों का विसर्जन दामोदर नदी में करते हैं एवं समान रूप से इनकी अपनी कोई भाषा, इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है। छात्रगण लिखिए, हेडिंग दीजिए नेक्स्ट में असुर, हेडिंग है असुर जनजाति, असुर जनजाति। देखिए इसमें, इसमें असुर में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, असुर जनजाति झारखंड की एक आदिम जनजाति है। असुर जनजाति ऐसे लिखिए, असुर जनजाति की गिनती, असुर जनजाति की गिनती झारखंड के आदिम जनजाति के रूप में होती है, होती है, जिसे पूर्वा देश, जिसे पूर्वा देश के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है उसी में आदिम जनजाति होने के साथ साथ, यह झारखंड की आदिम जनजाति होने के साथ साथ, यह झारखंड की प्राचीनतम, प्राचीनतम जनजाति है। जनजाति है क्योंकि झारखंड की धरती पर, क्योंकि झारखंड की धरती पर, क्योंकि झारखंड की धरती पर सबसे पहले असुर जनजाति का ही प्रवेश हुआ, क्योंकि झारखंड की धरती पर सबसे पहले असुर जनजाति का ही प्रवेश हुआ, प्रवेश हुआ या प्रवेश हुआ था, प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, असुर जनजाति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, असुर जनजाति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित माना जाता है। असुर जनजाति को हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से संबंधित माना जाता है। साथ ही असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद उपनिषद एवं महाभारत में भी मिलता है। साथ ही
असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद और महाभारत में भी मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद में इन्हें अनाश, अवरत मूर्ध वाच तथा आईसी और सुदृढ़ कहा गया। यद्यपि ऋग्वेद में इन्हें मतलब असुर को अनाहस, अवरत, मृदुवाच, आईसी और सुदृढ़ कहा गया। नेक्स्ट, प्रजाति दृष्टि से इन्हें नेक्स्ट पॉइंट में है, प्रजातीय दृष्टि से इन्हें मतलब असुर को, प्रजातीय दृष्टि से असुर को प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में रखते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में रखते हैं। जिसे तीन उपजातियों में या जिसकी तीन उपजातियां हैं जिसे वीर अवरिया और बिरजिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, असुर जनजाति में सामाजिक उत्सव के दौरान नाच के मैदान को अखरा कहते हैं। अखरा कहते हैं। एवं इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका कहते हैं। परिवार मातृसत्तात्मक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक चल रहा था लगभग सभी जनजातियों में पितृ, अब आ गया मातृ, तथा इनकी या इनका परिवार मातृसत्तात्मक होता है। जिसमें संयुक्त परिवार की प्रथा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, असुर जनजाति
मैं गोत्र को पारस कहते हैं, पारस 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 कहते हैं, और इनके युवा गृह को गीती ओड़ा, और इनके युवा गृह को गीती ओड़ा, और इनके युवा गृह को गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, असुर जनजाति का मुख्य देवता सिंह बोंगा है, सिंह बोंगा है, सिंह बोंगा है। यद्यपि इनके धार्मिक प्रधान को, यद्यपि इनके धार्मिक प्रधान को बैगा, यद्यपि इनके धार्मिक प्रधान को वैगा, बैगा कहा जाता है, साथ ही साथ बैगा के सहायक, साथ ही साथ बैगा के सहायक को सुबारी, साथ ही साथ बैगा के सहायक को सुबारी और जादू टोना, और जादू टोना करने वाले व्यक्ति को, और जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी, माटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, असुर जनजाति का मुख्य पेशा परंपरागत रूप से लोहा गलाना है, असुर जनजाति का मुख्य पेशा परंपरागत रूप से लोहा गलाना है। परंतु वर्तमान में इस जनजाति का मुख्य पेशा कृषि कार्य है, परंतु वर्तमान में इस जनजाति का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। कृषि कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, असुर जनजाति, असुर जनजाति के संस्कृति को मय, असुर जनजाति के संस्कृति, इनके कल्चर को मय संस्कृति, मय संस्कृति कहा जाता है। कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, असुर जनजाति का मुख्य जमाव झारखंड में, झारखंड में गुमला जिले में सबसे अधिक है, गुमला जिले में सबसे अधिक है। उसी में इस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता, इस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता भी कहा जाता है, निर्माता भी कहा जाता है।
झारखंड में इस जनजाति का प्रवेश, झारखंड में इस जनजाति का प्रवेश मध्य प्रदेश क्षेत्र से माना गया है। मध्य प्रदेश क्षेत्र से माना गया है। माना गया है। नेक्स्ट छात्र का लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, करमाली, करमाली जनजाति। नेक्स्ट लिखिए, करमाली जनजाति। इसका लिखिए फर्स्ट पॉइंट, करमाली जनजाति का संबंध, करमाली जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। और यह झारखंड की सदान समुदाय की, और यह झारखंड के सदान समुदाय की एक जनजाति है, और यह झारखंड के सदान समूह की एक जनजाति है। और यह सदान समूह की समुदान या और यह एक सदान समुदाय की एक जनजाति है, जिसका अधिकतर जमाव हजारीबाग क्षेत्र में है। जिनकी भाषा खोरठा है। खोरठा है। खोरठा है। नेक्स्ट पॉइंट, करमाली जनजाति में नातेदारी व्यवस्था, किनशिप, करमाली जनजाति में नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज की तरह है, जो सात गोत्रों में बटे हुए हैं। नेक्स्ट, इस जनजाति का प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। और पुजारी को पाहन या नाया एवं पुजारी को पाहन या नाया कहते हैं। एवं इनमें ओझा भी पाया जाता है। साथ ही साथ इनके धार्मिक पवित्र स्थल को देवकुरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, करमाली जनजाति
का मुख्य पेशा लोहे के औजार, लोहे के औजार एवं उपकरण बनाना है, लोहे के औजार एवं उपकरण बनाना है, साथ ही ये शिल्पकार भी होते हैं, साथ ही ये शिल्पकार भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, करमाली जनजाति की पंचायत का मुखिया मुखिया या प्रमुख को मालिक कहा जाता है, साथ ही इस जनजाति में टुसू पर्व, साथ ही इस जनजाति में टुसू पर्व प्रमुखता से मनाया जाता है, प्रमुखता से मनाया जाता है, जिसे मीठा पर्व और बड़का पर्व, जिसे मीठा पर्व और बड़का पर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लिखिए, बंजारा जनजाति। इसमें लिखिए, बंजारा झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक और यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। अल्पसंख्यक जनजाति है। जिसमें या जिनमें राय, जिनमें राय की उपाधि देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जनजाति चार उपजातियों में विभाजित है, फोर सबकास्ट में विभाजित है, जिसे चौहान, पवार, राठौर और उरवा कहते हैं। इस जनजाति में जाति व्यवस्था अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
दिखा देती है. नेक्स्ट पॉइंट, यह जनजाति एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती. यह जनजाति एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, अर्थात यह घुमंतु जीवन, अर्थात यह घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं. इसलिए बंजारा को खाना बदोष, इसलिए बंजारा को खाना बदोष जनजाति भी कहते हैं. इसलिए बंजारा को खाना बदोष जनजाति भी कहते हैं. कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है. विधवा विवाह को नियोग, विधवा विवाह को नियोग, नियोग जबकि वधु मूल्य को हर्जी, जबकि वधु मूल्य को हर्जी, हर्जी, हर्जी के नाम से जाना जाता है. जाना जाता है उसी में. इस जनजाति में विवाह पूर्व सगाई का रस्म प्रचलित है. इस जनजाति में विवाह पूर्व सगाई, दैट मीन्स एंगेजमेंट, इस जनजाति में विवाह पूर्व सगाई का रस्म प्रचलन में है. नेक्स्ट पॉइंट, इस जनजाति का, इस जनजाति का मुख्य देवी बंजारी देवी है, बंजारी देवी है. नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक दृष्टि से, नेक्स्ट पॉइंट में है, आर्थिक दृष्टि से या पेशा, आर्थिक दृष्टि से या पेशा के दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण से बंजारा को तीन वर्गों में विभाजित करते हैं. जिसमें जिसमें भिक्षुक, जिसमें भिक्षुक या भिक्षा मांगने वाले, जिसमें भिक्षुक या भिक्षा मांगने वाले वर्ग को गुलगुलिया, गुलगुलिया एवं आपराधिक, एवं आपराधिक वर्ग को कंजर, कंजर कहा जाता है. कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, कंजर, कंजर कहा जाता है, कंजर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बंजारा जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार होते हैं, जानकार होते हैं. इसके अलावा यह जनजाति संगीत प्रेमी भी होते हैं,
संगीत प्रेमी भी होते हैं, ऐसे में इनका एक व्यवसाय संगीत से संबंधित भी होता है, ऐसे में इनका एक व्यवसाय संगीत से संबंधित भी होता है, होता है। उसी में इनके गीतों में, इनके सॉन्ग में, गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख, इनके गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख प्रायः मिलता है। प्रायः मिलता है। साथ ही साथ ही अल्लाह अदल को ये अपना वीर पुरुष मानते हैं। साथ ही अल्लाह अदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनजाति के लोगों या इस जनजाति के लोग स्थानीय भाषा बोलते हैं। इस जनजाति के लोग स्थानीय भाषा बोलते हैं जिसे लंबाड़ी, इस जनजाति के लोग स्थानीय भाषा बोलते हैं जिसे लंबाड़ी लंबाड़ी कहा जाता है। इसे लंबाड़ी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति, इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा पिछड़ा जाति आयोग की सिफारिश पर इस जनजाति को या इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा पिछड़ा जाति आयोग की सिफारिश पर 1956 में प्रदान किया गया। जिसका मुख्य जमाव संथाल परगना क्षेत्र में है, संथाल परगना क्षेत्र में है। तो छात्रगण, अभी तक हम लोगों ने झारखंड के 32 जनजातियों में 17 जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और अवल और इनके कल्चर के बारे में हम लोगों ने जाना, समझा और नोट्स भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बेस्ट पॉइंट्स है, जो सबसे वैसा पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट है, उसको हम लोगों ने नोट्स भी लिखा। छात्रगण, शेष जनजाति को लेकर हम पुनः हाजिर होंगे और देखेंगे उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कल्चर कैसा है। ओके, थैंक यू।